इटावा पहुंचे सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन पर राम गोपाल ने बयान दिया, संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, ऐसे मुद्दे किसी को नहीं उठाने चाहिए। सवाल, ये कहना है राम गोपाल यादव का कि इस मुद्दे पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। तो देखिए, सपा के महासचिव है राम गोपाल यादव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और इसी को लेकर राम गोपाल यादव ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और ऐसे मुद्दों पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लखनऊ में लगातार हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ाने सरकार जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ऐसा है कि कोई चीज ऐसी है जिस पर टैक्स न बढ़ रहा हो? जब उत्तर प्रदेश में लोगों का जीवन की कोई कीमत नहीं है, जिंदगी कोई कीमत नहीं है, तो और तो चीजें सेकेंडरी हैं। और अब खबर है सहारनपुर से। खुदाई में मिले मुगल कालीन चांदी के सिक्के, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे हैं खुदाई में मिले चांदी के सिक्के। नानोता थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर के भूमिया खेड़े पर जीर्णोद्धार के लिए खुदाई चल रही थी और यहां पर एक पेड़ के नीचे 401 चांदी के पुराने सिक्के मिले। भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने सिक्कों को थाना पुलिस को सौंप दिया है और इंस्पेक्टर चंद्रसेन सैनी ने बताया कि देर रात ग्रामीणों ने सिक्के दिए जिन पर संभवतः अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और देखिए, मथुरा वृंदावन रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। रास्ते में आ रही अद्धा बाबा की मजार हटाने पहुंचा प्रशासन। मथुरा मार्ग पर आवाजाही बंद की गई, ट्रैफिक को दोनों तरफ से डायवर्ट किया गया और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मथुरा वृंदावन रोड को चौड़ा किया जाना है और रास्ते में जो अद्धा बाबा की मजार आ रही थी उसको हटाने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंचा। आवाजाही मथुरा मार्ग पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है, ट्रैफिक को दोनों तरफ से डायवर्ट कर दिया गया है और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। जाने माने कवि कुमार विश्वास 3 दिनों के दौरे पर वाराणसी में थे। वाराणसी में अपने दौरों में कुमार विश्वास ने अतुल आनंद स्कूल में अलंकरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान कवि कुमार को सुनने और देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए। इस दौरान कुमार विश्वास ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी की भी तारीफ। मैं कहता हूँ जिस दिन प्रबंधन के चैंबर से प्रिंसिपल का चैंबर बड़ा हो जाएगा उस दिन स्कूल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा नियंत्रण नहीं मानती, प्रबंधन मानती। राहुल जी कह रहे हैं कि मेरा चैंबर है ही, यही सबसे अच्छा है, इसीलिए आपका विद्यालय रिजल्ट दे रहा है आपका चैंबर। क्योंकि शिक्षा है, संस्कृति है, कला है, ये नियंत्रण नहीं मानते, ये प्रबंधन मानते। त्रैलोक्य का स्वामी भी शिक्षा के मामले में अपने महल से उतर के पढ़ने के लिए जाता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।